प्यारे बच्चों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी, सृजन कोचिंग सेंटर दहियाँ बाजार प्रयागराज से। आज मैं आप लोगों को कक्षा दसवीं की गणित, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उस पुस्तक की अध्याय चार द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए, इस प्रश्नावली में हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। किस विधि से ज्ञात करने हैं? गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि यह समीकरण का मूल क्या होता है। तो किसी द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर का जो मान होता है, वही द्विघात समीकरण का मूल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण में जो यक्ष का मान आवेगा, वही मान इस द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो हम आज गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए, सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल जीरो। अब हमें इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम पहचानेंगे कि इस दिए गए बहुपद में किस नाम का गुणनखंड है। तो देखिए, इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड है। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठता होगा कि ये आद्यंत नाम का गुणनखंड क्या है। देखिए, गुणनखंड 13 प्रकार के होते हैं। गुणनखंड के प्रकार क्या? 13 टाइप के गुणनखंड है, जिसमें से एक टाइप आद्यंत के नाम का भी गुणनखंड होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि किसी दिए गए बहुपद में किस नाम का गुणनखंड है? इसको पहचान करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आइए हम आद्यंत के गुणनखंड की पहचान पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी बहुपद में तीन पद हो और उसमें प्रयुक्त चर की घात दो और एक हो तथा उसके आदि और अंत का गुणा करने पर यदि गुणनफल धनात्मक आवे, तो उसके ऐसे दो खंड करो कि उन दोनों खंडों का जोड़ मध्य वाला पद, तब जान लो कि उसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड है। और यदि गुणनफल ऋणात्मक आवे, तो उसके गुणनफल का ऐसा दो खंड करो कि घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो जाए, तब भी जान लो कि उसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। जैसा अगर हम यहां पर देखें, इसके आदि और अंत का हम गुणा करें तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर यहां पर आ रहा है। अब हम 10 के ऐसे दो खंड करेंगे कि जिसका अंतर 3 आवे, तो 5 × 10, 5 में से 2 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो इस पहचान से पता चल गया कि इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड है। आद्यंत नाम के गुणनखंड का एक नाम और है, मध्य पद को दो भागों में बांट कर गुणनखंड ज्ञात करना। देखो, आद्यंत नाम का अगर गुणनखंड किसी बहुपद में हो, तो उसका गुणनखंड करते समय सबसे पहले आदि पद को जीव कहते उतार लेना चाहिए, फिर बीच वाले पद का चिन्ह उतारकर ब्रैकेट्स का प्रयोग। तो अभी हम पहले दो खंड कर चुके हैं इसके आदि और अंत के गुणनफल का, 5 × 10, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा × x − 10 = 0। अब हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे माइनस चिन्ह से। एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो −5x + 2x − 10 = 0। तो पहले दूसरे पद में x कॉमन हो जाएगा। अब देखो, x से भाग अगर x स्क्वायर में देंगे तो x बार जाएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, x से x कट जाएगा, प्लस इन दोनों पद में क्या कॉमन है? 2, चूंकि 2 से 10 कट जाएगा इसलिए 2 कॉमन हो गया। अब x चूंकि दोनों में नहीं है इसलिए x कॉमन
नहीं होगा, तो दो से भाग देने पर यहां x आएगा, माइनस दो पंचे दस बराबर कितना जीरो। अब देखो हमारे पास दो पद हो गए, पहला पद हो गया x इंटू एक्स माइनस फाइव और दूसरा पद हो गया प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव। इन दोनों पदों में अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या है x माइनस पांच, तो x माइनस पांच पुनः कॉमन हो गया, तो इस प्रकार से हमारे पास x प्लस टू अगले ब्रैकेट्स में आ जाएगा। जब हम x माइनस फाइव से पहले पद में भाग देंगे तो x बार जाएगा, और जब इसी से भाग दूसरे पद में देंगे तो दो बार जाएगा बराबर जीरो। अब हम इसकी तुलना जीरो से कर देंगे तो x माइनस फाइव बराबर जीरो, तो x बराबर धन पांच, चूंकि ऋण है तो पक्षांतर करने पर धन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार x प्लस टू बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस टू, तो यही जो माइनस टू और फाइव हो गए आ गए यही इस समीकरण के मूल हो गए, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर पांच कामा माइनस दो। अतः यही समीकरण के क्या है, अतः यही समीकरण के मूल हैं, माने जो ये समीकरण था इस समीकरण के दो मूल हो गए पांच कामा माइनस दो। अब सवाल ये उठता कि इसके दो मूल क्यों आए, दो मान क्यों आए, क्योंकि अगर समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे इसलिए इसके दो उत्तर आ गए, दो मान आ गए। अगर समीकरण त्रिघात होता तो इसके तीन मूल आते, चतुर्घात समीकरण होता तो इसके चार मूल आते। ठीक, तो अब हम आपको सवाल नंबर दो बताएंगे। यहां देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 2x² + x - 6 बराबर जीरो। इस भी देखिए द्विघात समीकरण में हमें x का मान निकालना है, तो देखिए चूंकि जो x का मान होगा वही समीकरण का मूल हो जाएगा, तो इसमें भी हम देखते हैं इसमें किस नाम का गुणनखंड बन रहा है, चूंकि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करना पड़ेगा तो गुणनखंड पहचानेंगे तभी हम गुणनखंड कर पाएंगे, तो देखिए इसमें भी आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, चूंकि दोहा है कि आद्यंत का कर गुणा खंड दूरी कर लियो अंत का चिन्ह मध्य में रखियो बीच की संख्या हो। तो अगर हम इसके आदि और अंत का गुणा करें तो माइनस 12x² आएगा। अब हम 12 के दो खंड करेंगे, चार दिया 12, तो चूंकि गुणनफल हमारा ऋणात्मक आया है इसलिए घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, तो मध्य में क्या लिखा हुआ है, एक x लिखा हुआ है, इसलिए एक आना चाहिए, चार दिया 12, तो चार में से तीन घटने पर एक आ जाएगा। तो इस पहचान से पता चल गया कि इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, तो हमें आद्यंत के आधार पर इसका गुणनखंड कर लेना चाहिए। तो गुणनखंड करते समय सबसे पहले आदि पद को ज्यों का त्यों नोट कर लेना चाहिए, फिर जब बीच वाला पद है जिसको मध्य पद कहते हैं, जब मध्य पद आ जाए तो उसके पहले का चिन्ह उतार कर ब्रैकेट्स का प्रयोग कर देना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 - 3, जिसकी खोज हम पहले ही कर चुके हैं, इंटू एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो 2x² अब हम प्लस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पदों के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो प्लस 4x - 3x - 6 बराबर जीरो। तो अब हम इसको करेंगे, देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 पद हो गए, जब 4 पद हो गए तो हम 2-2 पद में कामन ले लेंगे, तो देखो कामन पहले संख्याओं में लेना चाहिए फिर बीजी अक्षरों में, तो देखो यहां 2 है यहां 4, तो 2 से चूंकि 4 कट जाएगा इसलिए 2 कामन बन जाएगा। अब दोनों में x है इसलिए हम x भी कामन ले लेते हैं, तो 2x जब इसमें हम भाग देंगे तो ये x बार जाएगा, और जब इससे भाग देंगे तो ये भी 2 बार जाएगा, माइनस इन दोनों में कामन क्या बनेगा 3, चूंकि 3 से 6 कट जाएगा इसलिए 3 कामन है। अब जब माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो यहां पर प्लस x आ जाएगा, फिर माइनस के स्थान पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह कामन पहले से है, 3 × 6 बराबर कितना 0। अब देखिए हमारे पास दो पद हो गए, पहला पद 2x × x + 2, दूसरा पद -3 × x + 2, इन दोनों पदों में कॉमन क्या बन रहा है x + 2, तो हम x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x - 3 बराबर कितना 0। अब हम दोनों ब्रैकेट्स की तुलना 0 से करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, जो x बराबर आएगा वही समीकरण का मूल कहलाएगा, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और यहां 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, तो x बराबर 3/2। तो ये जो x के दो उत्तर आ गए यही समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए, तो इसलिए x बराबर -2, 3/2, यही है समीकरण का मूल, इसको हम आंसर लिख देते हैं।
ठीक। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर लेते हैं इसी समय। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। देखिए इस भी द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करते समय सबसे पहले हम पहचानेंगे कि इस दिए गए बहुपद में किस नाम का गुणनखंड है। तो इसमें भी देखिए आद्यंत नाम का गुणनखंड बनेगा, चूंकि जब इसके हम इस पर हम आद्यंत के गुणनखंड की पहचान लागू करें तो पहचान इस पर लागू हो रही है। क्या है आद्यंत के गुणनखंड की पहचान, कि अगर बहुपद में 3 पद हो, पहली शर्त है कि बहुपद में 3 पद हो, दूसरी शर्त है प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 हो, तीसरी पहचान क्या है कि आदि और अंत का गुणा करने पर अगर गुणनफल धनात्मक आवे तो उसके 2 ऐसे खंड करो कि उसका जोड़ जो है बीच वाला पद हो जाए, और अगर गुणनफल ऋणात्मक आवे तो ऐसे 2 खंड करो कि उसके दोनों खंडों का अंतर बीच वाला पद हो। तो वहां पर आदि अंत नाम का गुणनखंड समझ लेना चाहिए। तो आइए लिखेगा हम इसके आदि और अंत का गुणनखंड करें, तो यहां 5 है और यहां पर 1 5। जब रूट 2 का हम रूट 2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर यहां है, यहां पर कोई नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो 5 × 2 = 10x2। अब यहां पर धन में आया हुआ है तो हम 10 के ऐसे 2 खंड करेंगे जिसका जोड़ जो है बीच वाला पद है, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 7। इसलिए इस पहचान से यह पता चल गया कि इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। अब हम इसके आधार पर गुणनखंड कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला पद आ गया तो हम ब्रैकेट्स का प्रयोग कर लेंगे, तो 5 + 2 इंटू कितना एक्स प्लस 5√2 बराबर कितना 0। अब अगर हम यह देखें तो यहां पर ब्रैकेट्स किस चीज तोड़ना पड़ रहा है, प्लस से। जब प्लस से हम ब्रैकेट्स तोड़ेंगे तो पदों के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना भैया 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। ठीक, अब देखिए अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन लेंगे, पहले संख्याओं में कॉमन फिर बीजीय अक्षरों में। तो यहां देखो संख्याओं में कॉमन नहीं होगा क्योंकि ना तो 2 से 5 कटेगा ना 5 से 2 कटेगा, इसलिए संख्याओं में कॉमन नहीं बन रहा है, तो हम बीजीय अक्षरों में कॉमन ढूंढेंगे। तो दोनों में बीजीय अक्षर चूंकि एक्स एक्स है इसलिए हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा, और हमेशा छोटी घात कॉमन होती है बीजीय अक्षरों की, इसलिए एक्स स्क्वायर कॉमन ना होकर एक्स कॉमन होगा। तो एक्स से जब भाग इसमें हम देंगे तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स बचेगा, प्लस जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा भाग देने पर, प्लस अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में जो है 2 यहां है यहां भी 2 है, तो कॉमन हम सवाल उठता है कि ये वाला 2 ले कि ये वाला 2 कॉमन ले, तो रूट 2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, रूट 2, चूंकि रूट 2 जो है 2 से छोटा है, रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 से छोटी होती है, इसलिए रूट 2 कॉमन हो जाएगा। जब रूट 2 से हम 2x में भाग देंगे तो ये अंडर रूट 2 इंटू एक्स, अंडर रूट 2 इंटू एक्स। अब ये सवाल उठता है कि ये बात कैसे यहां पर आ गई, तो हम आपको रफ में समझा देते हैं। तो 2x में हम कितने से भाग देंगे, रूट 2 से। तो आप देखिए चूंकि हर कर्णीशील में है इसलिए हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा, रूट 2 से ऊपर गुणा रूट 2 से नीचे गुणा। जब ऐसा हम करेंगे तो 2x से इंटू रूट 2 अपान में इसका दोनों का गुणा 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट 2 इंटू एक्स आ गया, इसीलिए हमने रूट 2 इंटू एक्स कर दिया, प्लस जब इससे भाग देंगे तो ये रूट 2 कटेगा, 5 बचेगा बराबर क्या 0। अब हम देखेंगे पुनः कॉमन, तो पुनः कॉमन क्या है, जो दोनों ब्रैकेट्स में समान बातें आई हैं इसीलिए पुनः कॉमन हो जाएगा। तो रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा भैया एक्स प्लस रूट 2 बराबर क्या 0। अब हम तुलना करेंगे, रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2 इंटू एक्स बराबर प्लस 5 है तो माइनस 5, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस 5 अपान में रूट 2, चूंकि रूट 2 एक्स के गुणा में है यहां का भाग में हो जाएगा। अब एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस रूट 2, तो जो एक्स के ये 2 मान आ गए यही समीकरण के मूल होंगे, तो इसलिए एक्स बराबर भैया माइनस 5 अपान रूट 2 कामा माइनस रूट 2,
यही समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। इसी को हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अतः यही x के दो मान इस समीकरण के मूल हो गए। चूंकि दो मूल के बड़े, चूंकि द्विघात समीकरण है, ये मैं पहले ही बता चुका कि जिस जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल बनेंगे। आइए हम लोग प्रश्न संख्या चार समझते हैं। प्रश्न संख्या चार में क्या दिया है, प्रश्न संख्या चार में दिया है 2x² - x + 1/8 = कितना, 0। ये प्रश्न संख्या चार है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा पहले से हमें एक कार्य करना पड़ेगा, ये जो 8 है इस 8 से इसमें इसमें गुणा कर दीजिए, तो 8 × 2 = 16x² - 8x + इस एक में नहीं होगा, एक लिखकर बराबर इस 8 का गुणा 0 में कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो ये आपके लिए आसान हो गया क्योंकि 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, या कहा जाए तो इसमें a + b² - b² इसमें बन रहा है, लेकिन हम आद्यंत के आधार पर ही इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चूंकि जब इसके हम आदि और अंत का गुणा करेंगे तो 16x² आएगा। अब हम 16 के दो खंड करेंगे, 4 × 16, तो 4 × 4 = 8 आ गया, इसलिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है, तो हम आद्यंत के आधार पर इसका भी गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखिए पहला नियम क्या है कि हम आदि पद को जब आते हैं उतार लेते हैं, माइनस बीच वाला पद आने पर ब्रैकेट्स का प्रयोग, तो 4 + 4 × x + 1 = 0। अब देखिए 16x² - से हम ब्रैकेट्स तोड़ेंगे तो पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो -4x - 4x + 1 = 0। अब हम पहले दूसरे पद में कॉमन ले लेते हैं, तो पहले दूसरे पद में क्या कॉमन है, 4x, क्योंकि 4 से 16 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, और x दोनों में है इसलिए x की छोटी घात कॉमन हो गई, तो 4x से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 4x बार जाएगा, माइनस ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 1, क्योंकि ये से 1 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा 4। अब x दोनों में चूंकि नहीं है इसलिए केवल 4 कॉमन होगा, तो -4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो x बार जाएगा, इस प्लस पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस की कॉमन है ना, सॉरी यहां पर थोड़ा समझने की बात है, यहां पर -1 कॉमन होगा, जब -1 कॉमन होगा तो चूंकि 1 से 4 कटेगा और 1 से 1 कटेगा तो 1 कॉमन होगा, 1 × 4x, इस प्लस पर माइनस हो जाएगा, 1 × 1 = 0। अब हम देख रहे हैं कि जो 4x - 1 इसमें आया है वही 4x - 1 इसमें दिया गया, इसलिए हमारा 4x - 1 कॉमन हो गया। फिर देखिए क्या बच रहा है, 4x - 1 बच रहा है, तो हम 4x - 1 लिखकर बराबर 0, दोनों की तुलना कर देते हैं, 0 से दिया तो 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, तो x बराबर 1/4 आ गया। इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, 4x - 1 = 0, तो 4x - 1 है तो +1, तो x बराबर 1/4, तो इसलिए दिया x के दो उत्तर हो गए 1/4 / 1/4। अब यही हमारा क्या बन गया, आंसर, यही समीकरण का मूल है 1/4 / 1/4। इसी वीडियो में हम पांचवें प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिससे कि अगला प्रश्न हम आपको बता सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न इसमें क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। अब इसमें भी देखिए आप वही चीज, वही पहचान, वही उसी नाम का गुणनखंड इसमें भी है, क्योंकि अगर हम इसके 1 और 100 का गुणा करें, आदि और अंत का अगर गुणा करें तो 100x² आ रहा है। अब देखिए 100x² के दो खंड करिए, 10 × 100, तो 10 × 10 = 20। इस पहचान से हमें पता चल रहा है कि इसमें भी आद्यंत नाम का गुणनखंड है, तो आद्यंत नाम का गुणनखंड जिस बहुपद में हो उस बहुपद का गुणनखंड करते समय सबसे पहले आदि पद को ज्यों का त्यों उतार लेना चाहिए, इसके बाद बीच वाले पद का चिन्ह उतार कर ब्रेकेट्स का प्रयोग। हम ब्रेकेट्स में क्या लिखेंगे ये हम पहले ही जान चुके हैं, 10 + 10, क्योंकि 10 × 100 और 10 × 10 = 20 होगा, इसलिए 10 + 10 * कितना x + 1 = 0। अब हम इसका ब्रेकेट्स तोड़ देंगे तो 100x² - से ब्रेकेट्स तोड़ने चल रहे हैं इसलिए पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो -10x - 10x + 1 = 0। तो पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन होगा, 10x, क्योंकि 10 से 100 कट जाएगा इसलिए 10 कॉमन हो गया, और x दोनों में है इसलिए x भी कॉमन हो गया। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बीजीय अक्षरों में छोटी घात कॉमन रहती है।
तो 10x जब इसमें हम भाग देंगे तो ये 10x बार जाएगा, क्योंकि 10 दामस माइनस 10 एकन्नम एक बार जाएगा तो ये 10x आ जाएगा। फिर माइनस यहां पर का क्या काम होगा, एक जब एक से बाहर इसमें देंगे तो ये 10x बनेगा, इस प्लस पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस की कॉमन रहने पर प्लस रहने पर माइनस होता है, माइनस रहने पर प्लस होता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर क्या 0। अब अगर हम देखें तो 10x माइनस 1 दोनों में आ गया, तो इसलिए 10x माइनस 1 ये हमारा कॉमन हो गया, तो क्या बचा 10x माइनस 1 बराबर कितना 0। अब हम तुलना कर लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 पाई 10, यहां 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बाई 10, तो यहां पर x के दो उत्तर हो गए, यही दो उत्तर इस समीकरण के मूल होंगे, इसलिए x बराबर 1/10 कामा 1/10, यही इस प्रश्न के क्या हो गए भैया, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, तो इस समीकरण का मूल यहां हो गया 1/10 कामा 1/10। इस वीडियो बस इतना ही, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।